पंचायती राज विभाग में विलय न करने के विरोध में जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी वर्ग ने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। बीडीओ कार्यालय धर्मशाला में जिला परिषद कैडर के अधिकारी व कर्मचारी आए तो थे लेकिन काम नहीं किया। जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने स्पष्ट कर दिया है कि मांगे न मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। यही नहीं, जरूरत पड़ी तो कर्मचारी भूख हड़ताल पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। बीडीओ कार्यालय के अंतर्गत आते करीब 21 कर्मचारी सोमवार को पेन डाउन स्ट्राइक में मौजूद रहे। जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के उपाध्यक्ष राजेश का कहना था कि ना जाने क्या वजह है कि सरकार जिला परिषद कर्मियों का विभाग में विलय नहीं कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मांगों पर कार्यवाही की जाएगी लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। करीब 6 माह से लगातार एक ही मांग को उठाया जा रहा है लेकिन सरकार द्वारा कोई गौर नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि अब कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है। उनका कहना था कि हड़ताल की वजह से जो भी विकास कार्य प्रभावित होंगे उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी क्योंकि सरकार को इन कर्मचारियों की चिंता ही नहीं है। उनका कहना था कि मांग न मानने तक हड़ताल जारी रहेगी तथा जिला परिषद कर्मचारी कोई काम नहीं करेंगे। साथ ही यदि जरूरत पड़ी तो महासंघ भूख हड़ताल शुरू करने से भी गुरेज नहीं करेगा। हमारी मांग, हमारी एकमात्र मांग है कि जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं उनका विभाग में जल्द से जल्द विलय किया जाए। जैसे ही सरकार हमारी मांग मान लेती है हम हड़ताल खत्म कर देंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी हड़ताल। अल्टीमेटम हमने 10 जून को 15 दिन का समय दिया था। 10 जून को हमारी मुख्यमंत्री महोदय से हमारी स्टेट के जो बॉडी है उनकी बात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द आपकी मांग मान ली जाएगी। परंतु 25 जून को जो कैबिनेट हुई उसमें ये मामला इसमें चर्चा नहीं की गई तो सभी कर्मचारियों में रोष है। उसके बाद हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी उनके द्वारा ऐलान किया गया कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है हम अनिश्चितकालीन तक पेन डाउन स्ट्राइक करें। वो तो प्रभावित होंगे, निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे। तो जिम्मेवारी कौन लेगा उसके? उसकी जिम्मेवारी जाहिर तौर पर सरकार की है क्योंकि हमने पिछले 6 महीनों से हम लगातार मांग कर रहे हैं। सरकार ने बिल्कुल इसको अनसुना किया है तो सरकार इसके लिए और विभाग जिम्मेवार है। बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि हमारे परिवार का भविष्य का सवाल है। सभी सरकारी कर्मचारियों को जो लाभ मिल रहे हैं वो हमारे इस कैडर को नहीं मिल रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में सरकार द्वारा 6ठे वेतन आयोग के लाभ सभी कर्मचारियों को दिए गए लेकिन हमें ये कहकर मना कर दिया गया कि आप लोग जो है सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, आप लोग जिला परिषद के कर्मचारी हैं। जबकि सरकार के कामों में जो धरातल पर जो सरकार की स्कीमें हैं हम पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी से उनको धरातल पर उतार रहे हैं जबकि सरकार द्वारा हमारे भविष्य के साथ जो है वो न्याय नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे साथ हमारी अनदेखी की है जिसके चलते हमें मजबूरन ये कदम उठाना।